वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW के साल का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डायनामाइट शो AEW डायनामाइट होमकमिंग शुरू होने वाला है। और गाइस, क्योंकि AEW का ये वाला डायनामाइट शो AEW के होम डेली प्लेस अरीना में होने वाला है, तो गाइस इसीलिए इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि आज यहाँ पर AEW के होमकमिंग डायनामाइट शो के ऊपर पॉसिबली कोई बड़ा डेब्यू होगा। और गाइस, AEW के वर्ल्ड एंड पेपरव्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन, डॉब जिगलर, मैट रिडल सहित काफी सारे रेसलर्स के डेब्यू के टीज होने के बाद अब फाइनली AEW के आज होमकमिंग के ऊपर कोई बड़ा डेब्यू होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। और गाइस, ज्यादातर लोग का ये मानना है कि जो रेसलर आज AEW के होमकमिंग पर डेब्यू करेगा वो और कोई नहीं बल्कि सासा बैंक AKA मर्सिडीज मोन होने वाले के, क्योंकि गाइस पिछले काफी दिनों से इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि टोनी खान ने सासा बैंक को कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और गाइस, टोनी खान 5 सालों के लिए सासा बैंक को $25 मिलियन की सैलरी दे रहे गए। और क्योंकि AEW का आज वाला डायनामाइट शो AEW कंपनी उनके होम अरीना जैक्सनविल डेली प्लेस में करने वाली गए, तो गाइस इसीलिए इससे काफी सारे लोगों का ये मानना है कि आज AEW का डायनामाइट वो डायनामाइट होगा जब यहां पर सासा बैंक AEW के ऊपर डेब्यू करेंगी। वेल गाइस, मुझे तो फिलहाल इसके कमी चांसेस लगते गए कि सासा बैंक आज AEW डायनामाइट के ऊपर डेब्यू करेंगी। बट गाइस, आपको क्या लगता है, क्या सच में आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर सासा बैंक होमकमिंग पर डेब्यू करेंगी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।